हेलो दोस्तों, मैं हूं सना खान। आपका वेलकम है मेरे चैनल सना आयुर्वेदा पर। मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ न्यू वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो है हल्दी दूध के ऊपर। तो आज मैं आपको बताऊंगी हल्दी दूध के बेनिफिट, हल्दी दूध आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, इसके क्या बेनिफिट है, मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। आपने देखा होगा जब हमें कभी चोट लग जाती थी तो हमारी दादी या फिर नानी हमसे कहा करती थी हल्दी दूध पियो जख्म भरने के लिए। यानी हल्दी दूध का उपयोग पुराने ज़माने से होता आया है। दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं ना, वो काफ़ी बेनिफिट होते थे। आज के ज़माने में हम इस चीज़ को बहुत भूल चुके हैं। ताकि हमें कोई तकलीफ होती है, हम सिर्फ दवा लेने भागते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं कि ये दवा लो और बात ख़त्म। मगर मेरा ऐसा मानना है कि हमें आयुर्वेदिक नुस्खों को ही अपनाना चाहिए। पहले ये जान लीजिए आपको हल्दी दूध कैसे बनाना है। तो अब उसके लिए आपको चाहिए हल्दी दूध। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो इसमें काफ़ी अच्छी बात है, इससे अच्छा बेनिफिट आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप कच्ची हल्दी को लीजिए 1 इंच, और 1 गिलास दूध में आपको 1 इंच हल्दी को कद्दूकस करके डाल देना है, और उसे एक बॉईल लेना है, मतलब एक खोल लेने के बाद उसे गैस पे से उतार लेना है और फिर उसे गिलास में कर लेना है। जब वो हल्का सा ठंडा हो जाए और हल्का सा गर्म हो, पीने लायक हो, मतलब पीने में कोई दिक्कत ना हो, तो अब उसे आपको पी लेना है। और अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आपको लेना है हल्दी पाउडर। लेकिन याद रहे, आपको ऐसी सब्जी वाला हल्दी पाउडर नहीं चाहिए, आपको घर की पीसी वाली हल्दी चाहिए, क्योंकि कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसे इंटेक कर रहे हैं, पीने के लिए ले रहे हैं दूध के साथ। तो इसमें कोई केमिकल होगा तो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो घर की पिसी हल्दी हो तो काफ़ी अच्छा है। जैसे हम चक्की पे भी हल्दी पिसवा लेते हैं, साबुत हल्दी लेते हैं और चक्की पे पिसवा लेते हैं, ऐसा कुछ हल्दी होनी चाहिए आपके पास। तो अब आप हल्दी दूध के बेनिफिट जान लीजिए। अगर आपको कफ़ और कोल्ड है यानी सर्दी है, अगर आपको उससे राहत चाहिए तो हल्दी दूध पीजिए। अगर आपको पाचन समस्या में सुधार चाहिए तो हल्दी दूध पीजिए। अगर आपकी स्किन पे एलर्जी है, उसका इलाज चाहिए जैसे एक्जिमा, तो हल्दी दूध पीजिए। आपको खून साफ करना है तो हल्दी दूध पीजिए। अगर आपको मोटे बाल चाहिए, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के बाल बहुत पतले होते हैं, अगर आपको मोटे बाल चाहिए तो हल्दी दूध पीजिए। अगर आपको वजन कम करना है तो हल्दी दूध पीजिए। आपको नींद में सुधार लाना है, अगर आपको नींद सही से नहीं आती तो हल्दी दूध पीजिए। गठिया के दर्द में राहत चाहिए तो हल्दी दूध पीजिए। आपको अगर सिर दर्द दूर नहीं होता, दवा लेने के बाद भी बहुत से लोगों में सिर दर्द रहता है, कब्ज की वजह से भी शायद सिर दर्द रहता है, तो हल्दी दूध पीजिए। अगर आपको सिरप चाहिए, लीवर सिरप, जो आप बाहर से रेडीमेड लीवर सिरप लेके यूज़ करते हो और किसी वजह से नहीं ले पाते, तो ये आपका घर का बना होममेड लीवर सिरप का भी काम करेगा। अगर आपकी बच्चेदानी की सूजन को भी कम करता है, इसका यूज़ आपको थोड़ा लंबा करना होगा क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, तो इसका जो फ़ायदा है वो रिजल्ट है वो लेट आता है, तो इस वजह से आपको इसे थोड़ा लंबा यूज़ करना है। कम से कम 3 मंथ यूज़ करिए और फिर इसका रिजल्ट मुझे बताइए। और अगर आप चाहते हो आपकी स्किन पे ग्लो हो, शाइनिंग हो, लोग आपसे कहें आपकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है, तो आप बताइएगा। आप हल्दी दूध पीते हैं, सिर्फ हल्दी दूध पीने से आपकी स्किन पे ग्लो होगा, शाइनिंग होगी। आपको 1 मंथ यूज़ करने के बाद ना अपनी स्किन में खुद फ़र्क दिखाई देगा कि आपकी स्किन पे ग्लो। लेकिन आप किसी से पूछिएगा नहीं कि मम्मी मेरी स्किन पे ग्लो आया या भाई मेरी स्किन पे ग्लो आया। लोग खुद आपसे कहेंगे यार तू कर क्या रही है, तेरी स्किन पे इतना ग्लो कैसे है। ये इसे ना बस 1 मंथ यूज़ करके देखिए और फिर इसका रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए। याद रखिएगा, एक भी दिन स्किप मत करिएगा, इसे रेगुलर यूज़ करना है, यानी रेगुलर इसको दूध को पीना है, हल्दी दूध को पीना है, फिर उसके बाद मुझे इसका रिजल्ट बताना है। ये रेमेडी मैंने भी यूज़ करी है, अभी लॉकडाउन की वजह से मैं कच्ची हल्दी नहीं ले पा रही हूँ, वरना मैं अभी भी पीती होती। अभी मैंने पीना बंद कर दिया, लॉकडाउन के बाद ही मैं कच्ची हल्दी लूँगी और यूज़ करूँगी। तो मैं कच्ची हल्दी लेती हूँ, मैं पाउडर पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। होममेड पाउडर हो तो कोई बात ही नहीं है, वैसे मैं कच्ची हल्दी इसलिए भी यूज़ करती हूँ। हाँ, मैं आपको बता दूँ ये बात, कच्ची हल्दी पेट को ठंडा करती है और जो पाउडर वाली हल्दी जो होती है वो थोड़ी गर्मी करती है। फिर बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए कच्ची हल्दी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि वो आपके पेट को ठंडा कर रही है। सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कच्ची हल्दी में और पाउडर में।
तो इसलिए कच्ची हल्दी यूज़ करिए अगर हो सके तो, इससे ज़्यादा बेनिफिट है और कच्ची हल्दी आसानी से मिल जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ अभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है लॉकडाउन की वजह से, मेरे एरिया में तो नहीं मिली, आपके एरिया में मिलनी हो तो आप ले लीजिए। और काफ़ी लंबा भी चलती है क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होती, आप बस एक इंच टुकड़ा डालोगे हर हल्दी का, वो काफ़ी हो जाता है एक गिलास दूध के लिए। और कच्ची हल्दी अगर आपकी सूखने लगे तो आप उसे पानी में भी रख सकते हो, पानी में अगर बीच बीच में उसे पानी में रखा एक घंटे के लिए फिर निकाल लिया, इससे आपकी कच्ची हल्दी जल्दी सूखेगी नहीं और उसमें रस भी जल्दी ज़्यादा निकलेगा। तो अब मैंने आपको बता दिया कच्ची हल्दी के बेनिफिट, अब आपको इसे यूज़ करना है, इसका बेनिफिट आपको कितना हुआ, इसका रिजल्ट आपको कितना मिला, मेरे साथ शेयर करना है, कमेंट में बताना है। तो अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई टिप्स के साथ, न्यू आयुर्वेदिक ब्यूटी टिप्स के साथ या हेल्थ टिप्स के साथ। तो जब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड या दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।